इंडियन आइडल का 12वां सीजन अब तक का हिट सीजन रहा। विवादों के बाद भी इस सीजन के कुछ कंटेस्टेंट अपनी सिंगिंग के जरिए लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इस सीजन के कंटेस्टेंट थे पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल, जो इस सीजन के बाद से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे यादगार पल बटोरे हैं जिन्हें आप तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। उन्हीं में से एक कंटेस्टेंट अरुणिता कांचीलाल बंगाल की रहने वाली और अपनी प्लेबैक सिंगिंग वाली आवाज के जरिए उन्होंने हर किसी को अपना फैन बना लिया। अरुणिता कांचीलाल इंडियन आइडल 12 के टॉप 6 कंटेस्टेंट में शामिल हैं। 15 अगस्त के दिन पर उन्हें ये फिनाले के दिन ये ट्रॉफी मिली थी। भले ही वो फर्स्ट रनर अप रही हो, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे खिताब जीते हैं जो आज भी उनकी खूबसूरती और उनकी कामयाबी में चार चांद लगाते हैं। अरुणिता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश, शायली कामले, शनमुख प्रिया और निहाल तारो भी उन्हीं के साथ थे। और क्या आप जानते हैं कि अरुणिता कांचीलाल पहले ही एक सिंगिंग रियलिटी शो को जीत चुकी हैं और कई इंटरनेशनल शोज भी कर चुकी हैं। जी हाँ, इंडियन आइडल के मंच पर आने से पहले ही अरुणिता कांचीलाल सभी के दिल में बसी थी और एक टॉप सिंगर भी थी। यहाँ हम आपको अरुणिता कांचीलाल की फैमिली और अब तक के करियर से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताते हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी होंगी। अरुणिता कांचीलाल बंगाल की रहने वाली हैं और उनकी परवरिश भी वहीं हुई है। अरुणिता ने 8 साल की उम्र से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था और मंच पर जाकर गाना गाना भी शुरू कर दिया था। उनका कॉन्फिडेंस लेवल वाकई बहुत कमाल का था। अरुणिता ने इसके बाद 10 साल की उम्र में जी बांग्ला के सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स को भी जीता और इस शो की विनर बनने के बाद अरुणिता कांचीलाल आगे चलती ही चली गई। इस शो में उन्हें अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला था और छोटी सी उम्र में ही वो इन सुपरस्टार से मिल चुकी थी। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अरुणिता ने कई लाइव इवेंट्स में परफॉर्म भी किया था। इतना ही नहीं, वो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स के 5वें सीजन में भी नजर आई थी। उन्होंने सिंगर शान के साथ कई इंटरनेशनल शोज भी किए थे। अरुणिता के कुछ पुराने पिक्चर्स देखे जा सकते हैं जिसमें वो मंच पर बहुत छोटी सी उम्र में गाना गाती नजर आ रही हैं। अरुणिता सिर्फ गाती नहीं है बल्कि वो हारमोनियम जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी बजा लेती हैं। अरुणिता कांचीलाल का सपना है कि वो एक दिन बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर बने और उनका ये सपना इंडियन आइडल 12 ने पूरा भी कर दिखाया। लेकिन अभी भी वो खुद को पीछे मानती है, लेकिन वो अभी हारी नहीं है, लगातार वो आगे बढ़ती जा रही है। एक शो के स्पेशल एपिसोड में करण जौहर भी अरुणिता कांचीलाल की आवाज सुनकर उनसे इम्प्रेस हुए थे। तब करण जौहर ने न सिर्फ अरुणिता कांचीलाल की आवाज की तारीफ की थी बल्कि उन्हें अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों में गाने का ऑफर भी दिया था। अब देखना होगा कि अरुणिता कांचीलाल को ये मौका किस दिन मिलता है और अगर ये मौका मिला तो अरुणिता कांचीलाल की किस्मत उसी दिन से पलट जाएगी। कल इस दिन के लिए भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आप अरुणिता कांचीलाल के लिए क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन, अरुणिता के फैंस उनकी लविंग केमिस्ट्री देख ही रहे थे कि फिर से एक और वीडियो सामने आ गई है। जी हाँ, जो फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ाने के लिए काफी है। इस बार पवन अरुणिता को अमेरिका के मशहूर बीच मियामी बीच पर रोमांस करते देखा गया। जी हाँ, वीडियो पुरानी है लेकिन अब वायरल होने के बाद फैंस इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। देश विदेश में पवन अरुणिता खूब छाए हुए हैं और लगातार अपने फैंस को अपनी नई नई वीडियो से खुश भी कर रहे हैं। तो चलिए फिर से इनकी एक लविंग केमिस्ट्री दिखाते हैं। फ्लोरिडा के मियामी बीच पर पवन अरुणिता को घूमते देखा गया। अपनी टीम के संग पवन अरुणिता खूब एंजॉय करते दिखाई दिए। सुबह से लेकर शाम तक वो इस बीच पर बिताते हैं। हालांकि इस बीच की कुछ पुरानी पिक्चर्स हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। उन पुरानी पिक्चर्स में पवन अरुणिता स्पोर्ट्स स्विमिंग करते दिखाई दिए थे और उसी वक्त की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें पवन अरुणिता सुबह से लेकर शाम तक इस बीच के किनारे बैठते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। पवन अरुणिता की इस बेहतरीन वीडियो को देखने के बाद फैंस का दिल खुश हो गया और उनका कहना है कि वो जरूर एक बार इस जगह पर जाएंगे। पवन अरुणिता डिनर करने के बाद अपने होटल में जाते हैं जहां ये रुके हुए थे, जिसकी वीडियो भी देखी जा रही है। वीडियो में साफ साफ देखे जा रहा है बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को भी कई बार मियामी बीच पर मस्ती करते देखा गया। पवन अरुणिता जब भी विदेश टूर के लिए जाते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं और अपने फैंस को भी दिखाते हैं। तो पवन अरुणिता की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, आपको ये जगह कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो लगाकर कुछ नया करने का इशारा किया है। पवनदीप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी वीडियो एक तरह का ये इशारा ही है।
पवनदीप ने अपने उत्तराखंड के एक मशहूर मंदिर का वीडियो शेयर किया है। क्या पवनदीप इस मंदिर जा रहे हैं या फिर इस मंदिर के लिए पवनदीप कुछ प्लानिंग करें? फिलहाल इस खबर को जानने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि पवन अर्थात दोनों का इस मंदिर में आने का इंतजार किया जा रहा है। शायद बहुत जल्द आप पवनदीप और अनीता को इस मंदिर में देख सकते हैं। तो ये कौन सा मंदिर है जिसकी वीडियो पवनदीप ने शेयर की है और चारों तरफ इसकी चर्चा भी हो रही है? भिलंगना ब्लॉक के बासर पट्टी के भल्ड गांव में बालेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल बड़ा मेला लगता है और मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। भल्ड गांव में 14 सालों से इस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। मेले में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं और भगवान बालेश्वर के दर्शन कर मेले का आनंद लेते हैं। बालेश्वर महादेव बासर पट्टी के 32 गांव के ईश्वर देव हैं, जिसे श्रद्धालु भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। मंदिर में सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ भी इकट्ठी होती है। लोगों का कहना है कि इस मेले में थैलों की काफी पुरानी परंपरा है जो अब तक चली आ रही है। बताया जाता है कि बालेश्वर मंदिर के कपाट केदारनाथ धाम की तर्ज पर खुलने और बंद करने की परंपरा है। माघ के महीने में कपाट बंद हो जाते हैं, जबकि फाल्गुन माह में कपाट खोले जाते हैं। उन्होंने सरकार से इस मेले को राजकीय मेला अनाउंस करने की भी मांग की है। तो आप पवनदीप अरुणिता के इस नई प्लानिंग के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई पवनदीप अरुणिता इस मंदिर में जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल के फैंस ने उनके घर के कुछ और पिक्चर शेयर करके उनके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो पिक्चर सामने आई है उसमें अरुणिता और उनकी माँ को पहचानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा हम नहीं बल्कि फोटो पर मिल रहे कमेंट बता रहे हैं कि अरुणिता की माताजी अरुणिता की मॉम नहीं बल्कि उनकी दोस्त की तरह नजर आ रही हैं। वैसे तो अरुणिता की माँ अरुणिता के लिए माँ कम और दोस्त ज्यादा है, लेकिन आज इस फोटो ने साफ साफ क्लियर भी कर दिया कि अरुणिता और उनकी माँ एक दूसरे से कितना क्लोज है और कैसा रिश्ता शेयर करती है। अरुणिता अपनी माँ के साथ ठीक वैसे ही टाइम स्पेंड करती है जैसे किसी दोस्त या छोटी सिस्टर के साथ करती हैं। अरुणिता अपनी माँ के साथ लाड प्यार और बच्चों की तरह हरकतें भी करती हैं और उनके साथ हर एक बात को शेयर करती है। और जब अरुणिता अपनी दोस्त के साथ सुबह सुबह घूमने निकली तो अरुणिता की माँ भी उस ग्रुप में शामिल दिखाई दी। हाल ही में अरुणिता अपनी माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने घर गई थी। इसी मौके पर अरुणिता ने पार्टी में खूब इंजॉय किया और अपनी दोस्त और माँ के संग खूब काम भी किया, जिसकी पिक्चर्स अब वायरल हो रही। वायरल पिक्चर में देख सकते हैं अरुणिता मार्केट गई थी अपनी दोस्त और माँ के संग, वहाँ अरुणिता ने खूब मस्ती की। फोटो में अरुणिता की माँ वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं और अरुणिता को देखकर उनकी माँ की उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोग अरुणिता की माँ को अरुणिता की दोस्त बता रहे हैं। आप इस फोटो के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।